गुड मॉर्निंग, आज फिर मैं आपको लेके चलता हूँ बुलंद दरवाज़ा। और सुबह का टाइम है, देखिए कितना अच्छा है, गर्मी भी है। तो मैं आज आपको दिल्ली से लेके चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि बुलंद दरवाज़े की क्या खासियत है। और देखिए, मेरा अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगता है। तो मैं आज बाइक राइड से ही यहाँ से निकल रहा हूँ अभी, और आगे मैं आपको बताऊंगा दिल्ली से जो बुलंद दरवाज़ा का जो रास्ता है, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है बुलंद दरवाज़ा, वो 230 और 240 के अप्रोक्स पड़ता है। और यहाँ अप्रोक्स 3 घंटे का टाइम लगेगा मुझे, जैसे मैंने अभी मैप के अकॉर्डिंग देखा है। तो मैं स्ट्राइड स्टार्ट कर दी, और देखिए यहाँ पे बीच में काफ़ी अच्छे ढाबे हैं। NH2 से हम निकलते हैं तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ढाबे भी दिखे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के भी हैं और लोकल ढाबे भी हैं, नॉर्मल ढाबे भी हैं। और अभी वैसे यहाँ से इजीली हम निकलते हैं तो देखो काफ़ी हलचल होती है। तो यहाँ पे कभी अपनी गाड़ी, अब यहाँ से जाना क्यों अच्छा है, एक्सप्रेस वे की वजह से ही, क्योंकि अच्छा इसलिए है क्योंकि कई बार अगर पंचर भी हो जाती है तो आप इजीली, आपको यहाँ पे कोई ना कोई हेल्प कर सकता है। वहाँ पर तो काफ़ी सुपर फास्ट गाड़ियाँ निकलती हैं तो वहाँ पर तो पता ही नहीं चल पाता है उसमें। तो इसके बाद अब भी हम यहाँ से, मैं पहुँचने वाला हूँ अभी थोड़ा सा टाइम बाद, मैं अभी मथुरा पहुँचूँगा। मथुरा पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि आप आगरा ना जाके मथुरा से हमें कट लेना पड़ेगा, तो उस हमें और भी आसानी से हम जल्दी पहुँच सकते हैं। ये लीजिए, मैं फरह का जो टोल है उसको क्रॉस करते हुए दीनदयाल धाम जो विलेज है उसके अंदर से, दीनदयाल धाम जी जो ये विलेज है, उनके जो ये BJP के संस्थापक थे, उनके नाम से बनाया गया है ये गाँव। तो यहाँ से मैं निकलते हुए अभी मैं फतेहपुर सीकरी के लिए पहुँच रहा हूँ। और ये देखिए 3 किलोमीटर कुल यहाँ से फतेहपुर सीकरी रह गया, और ये फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ फतेहपुर सीकरी। और अब हम पहुँच चुके हैं, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये बुलंद दरवाज़ा, जैसा सुनने में आता है वैसे बिल्कुल ही उस तरीके बिल्कुल किले की तरह नज़र आ रहा है। और ये 1602 में अकबर ने बनवाया था, और इसको हम दो तरफ से, इसके अंदर हम दो तरफ से जा सकते हैं, एक इधर से राइट से रास्ता जगह जाता है, हम सीधे चलते हैं बुलंद दरवाजे को। सबसे पहले हम देखते हैं बुलंद दरवाज़ा। और 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद बाइक से राइड किया मैंने तो, और मैं पहुंचने के बाद अभी होटल में चेक इन बाद में करता हूं, पहले मैं आपको बुलंद दरवाज़े का ये दिखाता हूं और फिर मैं बाद में आपको अंदर की भी वीडियो दिखाऊंगा। और ये देखिए अभी काउंट कर रहा हूं मैं टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, और ये फाइनली ये टोटल हैं स्टेयर्स 52 स्टेयर्स हैं। और ये जो टोटल इसकी जो हाइट है ज़मीन से 54 मीटर बताते हैं, और 177 फिट है। और इसमें देखिए बिल्कुल किलानुमा, जैसे कि आप अगर देखें कहीं बाहर से तो लगेगा बिल्कुल ये किला है, दोनों तरफ गुंबद बने हुए हैं इसके। और ये देखिए इस तरफ भी एक इधर आई थिंक कोई बताते हैं कि सुरंग इधर से कभी खोदी गई थी, सुरंग निकली थी यहाँ से। और ये देखिए काफ़ी सुंदर है, और ये फेमस है फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे की वजह से पूरा फेमस है। और ये अकबर ने बनाया था, 1602 में बनवाया गया था। और देखिए बिल्कुल किले, बिल्कुल किलानुमा है, और ये फतेहपुर सीकरी के किले के दक्षिण द्वार में है ये।